संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं। हरजनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है? भारतीय लोकतंत्र के प्राण, 65 करोड़ लोगों की असमानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। फिकर की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो तो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पवार बैठे हैं, जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करता हूं। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती।
चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप समझ। समर्थन प्राप्त नहीं है, काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है, जो 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 काऊ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी, एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके, हम मानते हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी, फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक
विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति। हम तटस्थ रहेंगे और तटस्थता का कारण यह दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते। ये संप्रदायवादी हैं, कांग्रेस सेक्युलरवादी है। संप्रदायवादियों के साथ वोट उन्हें करना उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था? मैसेज फॉर द ऑफिशियल्स जो आप लाए थे, आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कभी भी नहीं हूं मैं अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। कवि के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है कि वो कविता कहने से इनकार कर। तो समय में उन्होंने लिखा था कि गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता कलश आज सच से भर। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे पर शहर, अपना के मेले में लूट नहीं था। जी, जीत नहीं गाता।
हुए चारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उगाया नवंतर झरे सब पीले था कोयल की चुप रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ गीत भरा गाता हूँ टूटे हुए सपने की सुने कौन सुख आदमी की सुस्ती हम सुनते हैं अपनी सुस्ती सुनते हैं मगर अगर सपना टूट गया तो हम कितने सपने देखते हैं और छोड़ते हैं और उनकी सुस्तियों को भी छोड़ देते टूटे हुए सपने की सुने कौन खिटकी अंतर को चीर यथा तलकों पर खिटकी आंसू गिरेगा नहीं अंतर को चीर यथा तलकों पर खिटकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर दिखता दिखाता हूं स्थापित संस्थाएं वो टूट रही हैं केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं हरजनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की असमानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों मजदूरों ग्रामीण गरीबों दस्तकारों युवकों छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी राजनीति में राजनीतिक दलों में राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी फिकर की राजनीति के दिल लग गए तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है पद पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो दिल्ली में जाकर दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद पवार बैठे हैं जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है मेरा आचरण देखा है
जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवास से डरता हूं। में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति जिस तरह की राजनीति चल रही है मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप समझ। समर्थन प्राप्त नहीं है, काऊ बेल्ट, आई डोंट नो वेयर ये काऊ बेल्ट है, काऊ बेल्ट का समर्थन है, जो 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 काऊ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना। किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। हमें छोड़कर सत्ता पर रहना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते।
हूँ। पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।